हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आपने मेरे लेक्चर 1, 2 और 3 अब तक देख लिए होंगे और अब हम शुरू करें लेक्चर 5। ठीक है, जैसे कि आपको हेडिंग दिख रहा है, ये लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अबाउट द क्रोमोसोम्स। ठीक, क्रोमोसोम्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये जो क्रोमोसोम है ये हम लोग जेनेटिक्स के अंदर जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो आप में से बीए बीकॉम या नॉन बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्रोमोसोम्स की, कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और इनमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बहुत बेसिक से शुरू किया है बनाना और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके मैं इसको एडवांस लेवल के तरफ लेके जाऊँगा। तो आप में से जो बायो के स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि उनको कुछ टर्म्स शुरू में ऐसा लगे कि बहुत ही बेसिक सर पढ़ा रहे हैं। बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो बीए बीकॉम या नॉन बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ सकें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग अबाउट दी क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है ये देखने में कैसा लगता है। ठीक है, तो कई बुक्स को अगर आप स्कैन करो या इंटरनेट पर सर्च करो तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको ऐसा दिखेगा, क्या कह सकते हैं, एक एक्स के तरीके का क्रोमोसोम आपको दिखेगा। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक आपको इमेजिन हो गया कि भाई क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका लोकेशन, इसको हम सेल के अंदर कहाँ पर इसको लोकेट करें। ठीक है, सेल, फिर से बोलूँगा, सेल क्या, चाहे वो सेल क्या हो, आपका एनिमल सेल हो चाहे वो आपका प्लांट सेल हो, दोनों में ही आपको क्या मिलेंगे, ये क्रोमोसोम्स वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो एक डायग्राम मैंने ये चूज़ किया है, बड़ा अच्छा डायग्राम है। जैसे कि ये मान, ये आपका सेल है, ये सेल कोई भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है या प्लांट सेल भी हो सकता है। ठीक है, और हर एक सेल के अंदर आपका एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसे कि ये सेल हो गया, सेल के अंदर ये क्या हो गया आपका, दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, इसको आप न्यूक्लियस बताएंगे। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर ही ये जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम वाला, ये होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। अभी हम डीएनए और इसके सेगमेंट्स ऑफ डीएनए या डीएनए से भी छोटा क्या होता है, जीन्स, इसमें बाद में आएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार हो रहा है। आपको हो सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर के नेम है, ऐसे पूरा लेते हैं, ये जो आपके 5 नाम है वो आपको जंबलिंग करके दे दें और आपसे बोलें कि बड़े से छोटे की तरफ रखें। तो सबसे बड़ा सेल होता है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका ढेर सारे क्रोमोसोम्स होते हैं और हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो बहुत सारे डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, और हर डीएनए के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, छोटे बड़े से छोटे की तरफ। अब अगर इसको डायग्राम के थ्रू एक बार हम समझ लें तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है। ये आपका एक सेल है, ठीक है, उसके बीच में देखिए ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, हाँ, और न्यूक्लियस के अंदर ही आपको यहाँ नहीं देखेंगे, ये इसके अंदर ही क्या है, आपके क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अभी देखो मैं इसमें भी वर्ड पे आऊँगा क्रोमेटिन क्या होता है, लेकिन वो सबसे बाद में बताऊँगा। तो आपको सिर्फ अभी इमेजिन ये करना है कि हमेशा आपको जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसके अंदर मिलेंगे, जो न्यूक्लियस है सेल का उसके अंदर आपको ये क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, एक ये आप लोग का, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट अभी एक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करें जो ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, इनके जो जो कुछ टर्मोलॉजी, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसका जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, इनको एक साथ कहते हैं टीलोमियर। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में, एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आता है कि जो आपका टीलोमियर होता है वो क्रोमोसोम्स में कहाँ होता है, तो अपर साइड में होता है टीलोमियर। यहाँ पर भी आपका ऐसे टीलोमियर होगा और बिल्कुल यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये टीलोमियर होगा। ठीक है, तो भूलना नहीं, टीलोमियर इज अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो पहला क्रोमोसोम में जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा क्रोमोसोम के अंदर, वो आपने क्या पढ़ा, टीलोमियर। ठीक है, टीलोमियर। ठीक, दूसरा एक आप स्ट्रक्चर देखेंगे सेंट्रोमियर, यानी क्रोमोसोम के ठीक बीचों बीच में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर बोलेंगे। उसके बाद जो ये ऊपर की आर्म होगी इसको बोलेंगे पी आर्म। ठीक है, ये हम ऐसे कर लेते हैं, एक आपकी होगी पी आर्म। ठीक है, और जो नीचे वाली होगी, भुजा कह सकते हो हिंदी में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू, क्यू आर्म। ठीक है, उसके बाद अब आप देखेंगे ये क्रोमेटिड्स आपको दिखेंगे। तो अभी क्रोमेटिड्स कहाँ से आ गया, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अपने आप में एक क्रोमेटिड है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अपने आप में एक क्रोमेटिड है, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये क्रोमोसोम्स का क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर। ठीक,
इसकी एक डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, अगर आप देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्ले अ वाइटल रोल इन सेल डिवीजन, सबसे पहला फंक्शन जो है, हेरिडिटी जो हमें अपने माँ बाप से गुण मिलते हैं, वेरिएशन, म्यूटेशन जो आजकल आप बहुत बार सुन रहे होंगे कि जो ये कोरोना वायरस लगातार म्यूटेंट कर रहा है, यानी कि उसके क्रोमोसोम्स में ही चेंज हो रहा है, असल में क्रोमोसोम्स के अंदर भी जो मैंने बताया क्या, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, तो उनके जीन्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अभी बताऊंगा मैं सब चीज़ क्या होती है, देन रिपेयर आपका करता है और रीजनरेशन करता है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स मैं आपको बता चुका था, ये एक और डायग्राम मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या था, सेंट्रोमियर था, ये आपको बताया था मैंने टेलोमियर था, और ये आपके क्या थे, क्रोमेटिड्स थे, ठीक है। एक और डायग्राम देख लेते हैं, ये आपको मैंने बताया था पी आर्म थी, ठीक है, और ये क्यू आर्म थी, ऊपर वाली पी थी, नीचे वाली क्यू थी, ये देखिए सेंट्रोमियर हो गया, और ये आपका क्रोमेटिड, जिसको क्या बोला गया, सिस्टर क्रोमेटिड बोला गया, ठीक है। तो अब आपके मुझे लगता है कि क्रोमोसोम्स कभी भी अगर एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा, अगर हम देखें हमारे बॉडी में, ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, तो देखो आप लोग डायग्राम की तरफ देखें, ऐसे करके आपका सेल होता है, ठीक है, बीच में आपका क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, और जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर मैंने बताया क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स में आपके 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स, ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ठीक है, इस तरीके से 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। अब इस 23 पेयर में से भी आपके ध्यान रखना 22 पेयर, यहाँ तक ये आप लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हुए एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ऐसे करके चार पाँच करके ये 22, यानी कि 22 जो पेयर होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, इनको सारे को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोसोम बोलेंगे। और जो आपका 23rd पेयर है, जो 23वां पेयर है, जो कि या तो एक्स और वाई होगा अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो एक्स एक्स होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 23rd पेयर को, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो आपके टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, उसमें 22 पेयर जो हैं क्रोमोसोम्स के, वो आपके ऑटोसोम हैं, ठीक है, और जो 23rd पेयर है वो या तो एक्स वाई होगा मेल में, और या तो XX होगा आपका फीमेल, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसका फ़ायदा क्या है, ये जो पेयर बना रखे हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, देखो सबसे पहले आपको समझनी बात कि ये जो पेयरिंग है, इसमें ये पेयर जो है वो आपको आपके फादर से मिला है, और ये वाला पेयर जो है वो आपको आपकी मदर से मिला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, जैसे आपका ये फिफ्थ पेयर है, ये फिफ्थ पेयर में जीन्स होता है, ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, और डीएनए से भी छोटा क्या होता है, जीन्स, ठीक है। तो ये जो आपके जीन्स हैं जो कि फिफ्थ पेयर में हैं, जो कि एक आपको फादर से मिला है, एक आपको मदर से मिला है, ये आपकी हाइट, आपके स्किन का कलर, आपके बालों का कलर, ये डिसाइड करता है, ठीक है। अब वो हो सकता है कि आपके फादर का डोमिनेंट हो जाए तो उनकी हाइट आपके ऊपर आ जाए, उनके बालों का कलर आपके ऊपर जाए, या फिर आपकी मदर का, ठीक है। इसलिए हम ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में मेरे ख्याल से आपको क्रोमोसोम्स ही आ गया होगा, ठीक। दूसरा, एक और डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, अगर ये डायग्राम, हाँ, एक और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये जो आपके एक क्रोमोसोम्स हैं, इसमें डीएनए कहाँ से है। तो देखो आपको इमेजिन क्या करना है कि ये जो डीएनए है, अभी हम डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये डीएनए मान लीजिए एक धागे की तरह है जो ऐसे करके क्रोमोसोम में लिपटे हुए हैं, ऐसे करके, ठीक है, जैसे आपका लटाई होती है, लटाई में आप ऐसे धागा लिपटते हैं, या रील होती है, धागा जो कपड़े चलने वाली रील होती है, उसमें रील में चारों ओर आप क्या करते हैं, धागे को लपेटते हैं। तो बस आपको ऐसे इमेजिन करना है कि क्रोमोसोम की जो ये आपकी ब्रांचेज हैं, ये वाली ब्रांच ऐसे करके, ये जो ब्रांचेज हैं, इसमें ब्रांचेज टेक्निकल वर्ड गलत है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि जो ये ब्रांचेज हैं, इसमें आपका डीएनए ऐसे करके लिपटा हुआ है, ये पूरा ऐसे खतरनाक तरीके से डीएनए क्या है, लिपटा हुआ है। और जो ये डीएनए है, ये भी आपको आधा आपके फादर से और आधा आपकी मदर से है। देखा थे, अब आपको क्रोमोसोम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम भी वही चीज़ शो कर रहा है कि डीएनए ऐसे करके आपका क्या हुआ है, लिपटा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके डीएनए लिपटा हुआ। तो अभी हम अगले ही स्लाइड में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पहले उसका मुझे लगता है कि आपको स्ट्रक्चर समझ में अच्छी तरीके से आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला इसी में टॉपिक शुरू करेंगे, वो है हमारा क्या, डीएनए।